अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू रोड। तो जी आज का लोग है तारीख का, यानी आज तारीख है हमारी कश्ती में गार्ड्स वगैरह की और सफाई वाले और बच्चा जो होते हैं उनको हमने एक एज अ जेस्चर इफ्तारी करवा रहे हैं यूनिवर्सिटी की एक सोसाइटी है एनजीओ कुरान सोसाइटी उसकी तरफ से। और अभी हम सारी ये तैयारी ही लगे हुए हैं। तो जी साहब बर्तन धो रहे हैं या रामेश भाई फल काट रहे हैं, क्या करूँ ये है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी जो कि आज इफ्तारी की इंतजामिया में शामिल है। वीपी साहब आप बताएं आपका आज के दिन के बारे में क्या ख्याल है? रमजान मुबारक चल रहा है और मजीद कुछ नहीं कहना चाहते। और आप इन तैयारियों में क्या अपना हिस्सा डाल रहे हैं? यो ये देखो ये तो ये तीन चार जूनियर काम कर रहे हैं, ये सारे बैठे हुए हैं हमारे सीनियर जी सर, सारे कार्य कमाल की तरफ से आए हैं यहाँ पे। प्रेसिडेंट ऑफ कार्य कमाल एनटीयू चैप्टर कार्य कमाल के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है कि ये एक बहुत अच्छी एनजीओ है और ये लोगों को प्रोवाइड करते हैं और डोनेशन वगैरह इकट्ठे करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं। तो सर निशान साहब एनटीयू चैप्टर ऑफ कार्य कमाल के प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने भी इस इफ्तारी में बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और अपना एक डोनेशन दिया है ये चीज़ अमल में ला सके। तो सर आप इसके बारे में अपने कार्य कमाल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कार्य कमाल बेसिकली अमीरों से पैसा लेके गरीबों में बांटती है, स्टूडेंट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम बच्चे ही लोग जो स्टूडेंट हैं पैसे इकट्ठे करके अवाम पे सर्व करते हैं जो कि गरीब और नीडी पीपल। ये हॉस्टल से छुड़ियाँ लेके आया हूँ मैं क्योंकि फल वगैरह काटने थे, आयशा से लिए वो क्लास वगैरह हॉस्टल में रहती, तो क्योंकि यहाँ पे किसी के पास में घर भी नहीं था तो ये वहाँ से लेकर आया। अभी फल काटते हैं जी, ये वाली ज़्यादा अच्छी लगी, मैं इससे काटूँगा। देखना जा रहे हैं सर, तुम भी जा रहे हैं नमाज पढ़ने? यो अच्छी बात है, नमाज भी पढ़नी चाहिए। वो सारे चले गए लगते हैं, सारे नमाज पढ़ने चले गए। सो सारे लेके चले गए इधरों, मैं तो फल काटने के लिए आया। सर तुम नहीं जाना फल काटने? तुम जाते हैं नमाज पढ़ने के बाद। ओके ओके, कहाँ गए काम है? यो यो मैं जा रहा हूँ, में चलते हैं वहाँ पे जाकर फल काटते हैं। तो भाई अब ये लो भाई छुट्टियाँ आ गई हैं, ये मैंने लिख ली अपनी, तुम लोग अपने ये कहाँ से लेके आए? ये हॉस्टल से लेके आऊँ सर। अच्छा क्लास वालों से ये सारा सामान है चल, चल अब देखना मैं सेव कैसे काटता हूँ। सेब कट रहे हैं चार, पहले इनके चार हिस्से होंगे, ये वाला निकालना है, बीज निकालना है, जी काट दो कटने दे और जल्दी काट दो कट कट कट। छुरियां इनियां आ गई हैं वहां पर कटने वाले का आटा, बस देखने वाली ज्यादा हुआ। पानी भर रहे हैं, पानी भरने के बाद अब हम फौजी साहब इसको उठाएंगे। फौजी साहब उठा चाक लोगे? ठीक हो डोलंदा वेट कर रहे हैं। ठीक हो गया भाई मैं उठा लेता हूं। उठा ले आपकी मेहरबानी। इफ्तारी में कितना टाइम लगेगा भला? इफ्तारी में मेरे ख्याल से 20 मिनट बाकी। यो फिर जल्दी करो ना। तो अभी हम जा रहे हैं पानी उठा के, वैसे व्लॉग बनाने का ही फायदा ये भी है कि काम पड़ जाए, मैंने कहा व्लॉग बनाना शुरू कर देता हूँ मुझे कोई काम नहीं। मस्त प्लान है मेड बाय मी है, चीनी मैंने खोली है इसमें और चा मिश्री भी मैंने डाला है पानी। ओया एक बार बर्फी पड़ी जाके छपा देना और इसको भी आधा करके ना इसमें डाल दो। ब्लॉगर यो शुरू। तो अभी पहले बाहर खिंचवानी थी फोटो, कब कहते हैं अंदर खिंचवाएंगे? एक एक डिटेल बता रहे हैं, एक एक डिटेल बता रहे हैं, पहले फोटो अंदर बना रहे हैं क्या? फौजी अब भाई घर जा रहे हैं, आप भी आ जाओ भाई वेलकम। नहीं यार मैंने अपने मैंने अंजल खा अंजल मैं आज तुम्हारे साथ जा रहा हूँ घर, ठीक है? यो मैं तो घर जा ही नहीं रहा, तो मैं तो जा रहा हूँ ना तुम्हारे साथ। क्या चाहिए यार भाई? मैंने पेपर की तैयारी करनी है इसलिए मैं आया हूँ, सारा झूठ ना बोल। बिना
म्यूजिक। अच्छा तो अभी ग्रुप फोटो हो गई है, सारा इफ्तारी का सीन खत्म हो गया, कि मैं ये छुट्टियाँ देने जा रहा हूँ वापस फैलो को अपने, और क्योंकि हॉस्टल में, और ये यूनिवर्सिटी बिल्कुल इस वक्त खाली है और मैं अकेला हूँ बिल्कुल, और मुझे भी नहीं पता मैंने घर कैसे जाना है, क्योंकि जिसके साथ मैंने जाना था वो चले गए हैं, उनका कोई काम था और वैसे भी उन्होंने मेरे साइड पर नहीं जाना था। अभी मैं देखता हूँ कि घर जाना है फिर यहाँ पर रुकना है कि क्या करना है, वो भी एक मसला है। और ये पूरी खाली यूनिवर्सिटी में अकेला घूम रहा हूँ, वो जाना भी गर्ल्स हॉस्टल की तरफ है, तो ये अजीब लग रहा है, पर कोई बात नहीं है, अपना काम ही जाना है तो चलते हैं गर्ल्स हॉस्टल के सामने। इसके आगे का व्लॉग बनाना मैं भूल गया था, तो इसी पर प्यार बरसा दें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।